गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मैनी ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, होपफुली आप सब भी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे, और स्टार्टिंग में ही एक प्रॉब्लम आ गई। मैंने सोचा वीडियो अपलोड कर देता हूँ, रात में रेंडर हो गई थी, मैं सो गया था। सो अभी अपलोडिंग कर रहा हूँ तो नेट जा चुका है हमारा। वाईफाई वाले को कॉल किया था तो उन्होंने बताया टाइम लगेगा थोड़ा। सो देखते हैं, अगर 12 बजे से पहले अपलोड हो जाती है इससे नेट से वाईफाई से तो ठीक है, नहीं तो फिर रिचार्ज करवा के फिर अपलोड करना पड़ेगा। सो गोलू तो नीचे जा चुका है, मैं भी उठा था तो पौधे वगैरह में पानी दिया। सो अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक बार वाईफाई चल जाए, वीडियो अपलोड करने के बाद ही जाऊँ नीचे। सब देखते हैं। वाईफाई के बिना तो कोई काम नहीं हो सकता हमारा। सब देखते हैं, नेट आता है फिर बताता हूँ। तो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 5:40, और अभी हम मार्केट से आए, वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि मम्मी पापा भी थे साथ में, थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा था। तो पूरी पैकिंग कम्प्लीट हो गई है और जूते चप्पल भी आ चुके हैं उनके लिए, और कल जा रहे हैं मम्मी पापा गाँव। सो कल से मुझे और गोलू को अकेले रहना पड़ेगा 10-15 दिन। सो अभी मैं सोच रहा हूँ कहीं बाहर जाने की, और संयम से ही मिल के आने की सोच रहा हूँ। सो चलते हैं बाहर और सेम सही मिल के आते हैं, वो घर पे अकेले है। सो लेट्स गो। सो गाइस, निकलते हैं। अब हेलमेट वगैरह ले लिया है, कुछ कहना चाहोगे? जाओ भाई, जाओ भाई। सो निकलते हैं। बैग मैंने इसलिए लिया, मुझे कुछ सामान भी लेना वहाँ से। सो लेट्स गो। पोपट हो चुका है सेम के घर पे, तो सेम है नहीं, अभी ट्यूशन जा रखा है। सो विक्की के घर जा रहा हूँ, और विक्की के घर जाते हैं। विक्की भी ऑफिस से निकला ही है, और विक्की से विक्की को लेते हैं और फिर चलते हैं। सो गाइस, विक्की मिल चुका है हमें, अभी घर ही जा रहा था ऑफिस से। तो चलते हैं विक्की के साथ, नहीं तो हमारा पोपट हो जाता अगर विक्की नहीं मिलता तो। लेट्स गो। सो गाइस, ब्लॉग बना नहीं पाया क्योंकि विक्की के घर पे हम कुछ कर नहीं रहे थे। सो अब मैं घर जा रहा हूँ, टाइम देख सकते हो गए हैं 9:54, ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं। सो घर जाके मिलता हूँ। और गाइस, फ़ोन की बैटरी भी डिस्चार्ज है, 10% है। देखते हैं फ़ोन कब तक चलता है साथ में, वो घर तक पहुँच जाना चाहिए। सो अब जल्दी से चलते हैं घर। सो गाइस, आज के व्लॉग में कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाया। तो गाइस, मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि हम विक्की की बुआ के घर चले गए थे, जो कि वहीं पर रहती है। सो उन्हीं के घर पर विक्की खाना खाने गया था, तो उन्होंने खाना बना रखा था। और गाइस, हर बार की तरह आज भी घर पर खाना नहीं खा पाऊँगा। सो मम्मी के भयंकर वाली डांट पड़ने वाली है, क्योंकि कल ही मैंने कहा था कि रोज़ खाऊँगा घर पर। सो देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, ठंड बढ़ रही है। सो गाइस, ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और कल से ही बढ़ी है। सो अब स्टार्टिंग हो गई है ठंड बढ़ने की। सो अब मज़ा आएगा। ठंड में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मुझे आग जला के बैठने में। सबसे बेस्ट थेरेपी है ये आलसियों के लिए। नहीं गाइस, अब हम ठंड में बैठ नहीं सकते आग जला के, क्योंकि
क्योंकि क्लट लो नहीं बैठ सकते। आप बैठ सकते हैं गाइस, और क्या ही बोलता हूँ मैं भी। सो गाइस देख सकते हो मून सेट कितना प्यारा लग रहा है। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ विक्की से, विक्की के घर से लेके मेरे घर तक एक एक्सप्रेस वे बना जाए। बात करनी पड़ेगी मोदी साहब से, अगर मोदी साहब एग्री होते हैं तो स्टार्ट करवाते हैं न्यू प्रोजेक्ट, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सीधा एक्सप्रेस वे हो तो कितनी जल्दी हम घर पहुँच सकते हैं। ऐसे बाइक उछलती है तो मुझे चेक करना पड़ता है कहीं फ़ोन तो नहीं टपक गया। यार फ़ोन के साथ तो यही सीन है। वो तो यार मैं इतनी रिक्स पे वीडियो बनाता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। एक चाह होनी चाहिए यार, कुछ बंदे बहाने मार देंगे यार गोप्रो नहीं है मोटो ब्लॉगिंग कैसे करें। यार देख लो मेरे पास भी तो नहीं है, लेकिन अपन कर रहा है ना। तो बहाने बहुत मिल जाते हैं लेकिन करने वाले कर जाते हैं। वाह वाह क्या शेर है, शेर नहीं था गाइस लाइन थी। जो किस भगाओ कैसे भगाओ, ज़्यादा तेज भी नहीं भगाना चाहिए। ऑलवेज राइड सेफ, ऑलवेज वियर हेलमेट, एटलीस्ट सर तो बच ही जाएगा। यहाँ पे ऐसे पत्थर है ना, अगर हल्का सा फ्रंट ब्रेक लग गया ना, और हमारे में तो ABS भी नहीं है। जल्दी जल्दी भगाते भगाते तो पहुंच गए हैं। कोई सिस्टम नहीं है बीच में आके स्पीड ब्रेकर की तरह। ये स्पीड ब्रेकर है छोटे पहाड़ पता नहीं। सो गाइस आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करा होगा। अभी सीधा मत देखना, चुपचाप राइट हैंड साइड पे देखो टॉप पे। ये चांद तब से हमारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया, समझे? समझ आया मेरे को, मेरे को सब समझ आ रहा है। ये क्या कर रहा है? ओह या कितना ठंडा पानी था यार, मैं तो हाथ सुन्न हो गए यार। इतना ठंडा पानी कैमरे पे भी गया। ओह तो इस कैमरे साफ करता हूँ। तो गाइस देख रहे हैं मैं अपनी टी शर्ट से कैमरा कैसे साफ़ किया, क्योंकि कैमरा हमारे लिए सब कुछ है। कैमरा मतलब आप लोग, आप ही लोग तो रहते हो कैमरे के अंदर, मतलब आप ही लोग तो देखते हो वीडियो को। सो इसलिए सो हम आ चुके हैं वन एंड ओनली खोड़ा में, खोड़ा गाजियाबाद में आपका स्वागत है। जिला गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद।
गाइस मैं बीच का सीन काट दूंगा ताकि आप लोग सीधा मेरे घर ना पहुंच जाओ। डर लगता है यार, इतने सारे लोग आ जाएंगे तो फिर हो सकता है ना यार। मीटअप करवाएंगे, अगर आप लोगों की डिमांड ऐसी आती रही मिलने की तो मीटअप करवाएंगे। लाइट जलाओ। सो गाइस 5% है बैटरी और इस वीडियो को जल्दी से करता हूँ मैं एंड, क्योंकि स्विच ऑफ हो सकता है फोन। सो आप लोग भी जल्दी लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो आपके दोस्त के चैनल है। सो लव यू गाइस, इफ यू वांट टू गेम बाय, मिलते हैं कल आपसे मैं भी व्लॉग के साथ।